हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस चैप्टर का थर्ड टॉपिक शुरू करेंगे। इस टॉपिक में हम आइडियल गैस इक्वेशन और डाल्टन्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं आइडियल गैस इक्वेशन से। हमने अभी तक काफी सारे लॉस पढ़ लिए हैं, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, केलोसैक्स लॉ और एवोगैड्रोज लॉ। इन चारों लॉस को कंबाइन करके हम आइडियल गैस इक्वेशन को डिराइव करेंगे। लेकिन उससे पहले हम ये जानते हैं कि आखिर आइडियल गैस होती क्या है। आइडियल गैस एक हाइपोथेटिकल गैस है जहां पे इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जीरो होते हैं और इनके पार्टिकल्स का वॉल्यूम कंटेनर के वॉल्यूम से नेग्लिजिबल होता है। तो अगर हम इन तीनों गैस लॉ को कंबाइन करें तो इनके कंबाइंड फॉर्म को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर इंटू नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम। तो यहां पे भी प्रोपोर्शनैलिटी को हटाने के लिए हम एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को रखेंगे, तो इस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हम R से डिनोट करेंगे और R को हम बोलते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। इस आइडियल इक्वेशन को हम थोड़ा रीअरेंज करके इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, पीवी इक्वल टू एनआरटी, और ये हमारी आइडियल गैस इक्वेशन है। अब हम इस आर की वैल्यू को डिराइव करने की कोशिश करते हैं। तो आर को हम पीवी बाय एनटी लिख सकते हैं। एवोगैड्रोज लॉ में हमने पढ़ा था कि एसटीपी पे मोलर वॉल्यूम 22.7 लीटर होता है। तो अगर हम स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशंस ले, मतलब कि टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस, प्रेशर 1 बार, नंबर ऑफ मोल्स 1 मोल और वॉल्यूम 22.7 लीटर्स, और इन वैल्यूज को अगर हम इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करें तो हमें R का वैल्यू मिलेगा। तो यहां से हमें R का वैल्यू मिलेगा 0.0831 लीटर बार पर केल्विन पर मोल। अगर हम एक 1 बार की जगह अगर हम 1 एटमॉस्फेयर ले तो हमें ये वैल्यू मिलेगी 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल। उसी तरह अगर हम सारे ही वेरिएबल्स को एसआई यूनिट में ले, मतलब कि टेम्परेचर केल्विन में, प्रेशर पास्कल में, वॉल्यूम मीटर क्यूब में और मोल्स मोल्स में, और इन सारी वैल्यूज को अगर हम इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करें तो हमें R का वैल्यू मिलेगा 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। यहां पे ये ध्यान रखना है कि हमें ये दिख रहा है कि R की मल्टीपल वैल्यूज है। तो जाहिर सी बात है, एक क्वेश्चन सबके दिमाग में आ रहा होगा कि आखिर कौन सी वैल्यू कब यूज करनी है। तो वो डिपेंड करेगा आपके क्वेश्चन पे। अगर क्वेश्चन में आप प्रेशर और वॉल्यूम को बार, एटमॉस्फेयर या लीटर्स में निकालने की कोशिश कर रहे हैं तो हम R की वैल्यू 0.0821 लेंगे। लेकिन अगर हमें प्रेशर और वॉल्यूम पास्कल्स या मीटर क्यूब में निकालना है तो हम R को 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल अप्लाई करेंगे। तो एवोगैड्रोज लॉ में हमने डेंसिटी और मोलर मास का कुछ तो रिलेशन देखा था, वही रिलेशन को हम आइडियल गैस की इक्वेशन की मदद से डिराइव करने की कोशिश करते हैं। आइडियल गैस इक्वेशन हमें पता है कि पीवी इक्वल टू एनआरटी से रिप्रेजेंट होता है। इसी इक्वेशन को मैं थोड़ा सा रीअरेंज करके इस फॉर्म में लिखता हूं, के एन बाय वी इक्वल टू पी बाय आरटी। अब हमें पता है एन नंबर ऑफ मोल्स है, जिसको मैं गिवन मास बाय मोलर मास लिखता हूं, जैसा ऐसा ही हमने एवोगैड्रोज लॉ में भी करा था। तो इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, गिवन मास अपॉन मोलर मास इनटू वॉल्यूम इज इक्वल टू पी बाय आरटी। अब हमें यह पता है कि डेंसिटी मास बाय वॉल्यूम होती है, तो यहां पे गिवन मास अपॉन वॉल्यूम को मैं डेंसिटी से रिप्लेस करता हूं और इस रिलेशन को मैं कुछ ऐसे लिखता हूं कि डी बाय एम इज इक्वल टू पी बाय आरटी। अब अगर इसको मैं और थोड़ा रीअरेंज करूं तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, एम इज इक्वल टू डी आर टी बाय पी। तो चलिए अब हम एक कंडीशन देखते हैं।
हमारे पास एक कंटेनर है जिसपे एक मूवेबल पिस्टन लगा है और उसके अंदर कुछ तो एक्स अमाउंट ऑफ गैस है। ये गैस आपका प्रेशर पी वन पे है, वॉल्यूम इसका वी वन है और टेम्परेचर टी वन पे है। तो आइडियल गैस इक्वेशन की मदद से इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूं कि पी वन वी वन बाय टी वन इक्वल टू एन आर। अब मान लीजिए कि मैं इस गैस की कंडीशंस को चेंज करता हूं कि इसको इसका मैं प्रेशर भी वेरी कर रहा हूं, वॉल्यूम भी वेरी कर रहा हूं और टेम्परेचर भी वेरी कर रहा हूं। तो ये सब वेरी करने के बाद में वो हमारी जिन कंडीशंस पे आती है वहां पे भी हम आइडियल गैस लॉ अप्लाई कर सकते हैं। तो उसको मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूं कि पी टू वी टू बाय टी टू इज इक्वल टू एन आर। अब इन दोनों इक्वेशन से हम ये लिख सकते हैं पी वन वी वन बाय टी वन इक्वल टू पी टू वी टू बाय टी टू विच इज इक्वल टू एन आर। ये जो इक्वेशन हमें मिली है इसको हम कंबाइंड गैस लॉ कहते हैं। तो अभी तक हमने काफी सारी चीजें पढ़ ली है, हमने बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, केलोसैक्स लॉ, एवोगैड्रोस लॉ, आइडियल गैस इक्वेशन, ऐसे हमने कई सारे लॉज और कई सारी इक्वेशंस पढ़ी है। पर हमने ये देखा है कि सब में ही हमें टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स में रिलेशन पता चल रहा है। हवा जो है हमारे आसपास वो एक मिक्सचर ऑफ बहुत सारी गैसेस का है। तो हम ये कैसे पता करें कि उस मिक्सचर में एक पर्टिकुलर गैस का प्रेशर कितना है, ये हम डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर में देखेंगे। उससे पहले हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं।